हाय भरोसे वालों, कैसे आप सब लोग? सब खैरियत से होंगे। लाइव चिल्लम चिल्लाम कर रहे होंगे, नहीं भी कर रहे तो करो भरोसे वाला, क्योंकि द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो का पहला ट्रेलर रिलीज हो चुका है और नेटफ्लिक्स ने ऐसा बढ़िया ताबड़तोड़ बवाल किस्म का ट्रेलर रिलीज किया है कि एकदम देख के दिल गार्डन गार्डन हो गया है। एकदम पुरानी झलक वापस आ गई है यार, 2013-14 के अंदर जब ये शो स्टार्ट हुआ था, बिल्कुल वैसी एक वाइब दे रहा है। और क्या कमाल के कलर ग्रेडियंट्स और क्या कमाल का सेट बना कर दिया नेटफ्लिक्स ने। वो कहते हैं ना, जब एक अच्छी चीज़ किसी सही बंदे के हाथ में आती है तो वो बवाल करके दिखाता है हमें, और नेटफ्लिक्स ने ये हमें करके दिखाया है। और भाई मैं क्या कहता हूँ, 110% पहले शो से कहीं ज़्यादा बढ़िया देखने को मिला है। और जिस तरह से कपिल शर्मा एंट्री लेते हैं स्टेज के ऊपर, बैलेंस से आओ करते करते, और भाई एकदम मज़ा आ जाता है, वहीं से पैसा वसूल हो जाता है। उसके बाद साथ में की कुशारदा अपनी परफॉर्मेंस लेके आते हैं, साथ में कृष्णा अभिषेक, भाई वो भी लड़की कमाल की बनी है, सपना बनता है तो कमाल की लड़की बनता है, और देखकर मैं कहता हूँ एकदम बवाल किस्म का मज़ा आ गया। उसके बाद भाई लोग जो हमारे सबके फेवरेट हैं, जिसके लिए हम इस शो का सदियों से ज़मानों से इंतज़ार कर रहे हैं, वो हैं द सुनील ग्रोवर, डॉक्टर मशहूर गुलाटी। तो भाई स्टार्ट में तो कुछ नहीं दिखाया गया ट्रेलर के अंदर कि क्या वो डॉक्टर मशहूर गुलाटी हैं, लेकिन ये दिखाया गया कि वो पुरानी गुत्थी के स्टाइल में वापस आते हैं। एक डब्बे के अंदर से उसको कमिश्नर वन निकालते और कहते हो तू, वो भी कहता है तू, तो फिर वो टर्बुलेंस वाली बात करते हैं कि कैसे जहाज़ में हमारी लड़ाई हुई थी, वो सारी बातें होती हैं। और सोने पे सुहागा भाई, आमिर खान आ रहा है कपिल शर्मा शो के अंदर, बल्कि आ चुका है, अब तो प्रोमो भी रिलीज़ हो चुका है। और भाई क्या बवाल जाने वाला ये एपिसोड। सबसे पहले एपिसोड में आ रहे हैं हमारे पास, जिनका नाम है एनिमल के, भाई बवाल किस्म की मूवी हिट देने वाले एनिमल के, रणबीर कपूर। उसके बाद साथ में आएंगे हमारे पास आमिर खान, और आमिर खान के बाद जो है वो आईपीएल वाले आएंगे, जिसमें रोहित शर्मा आएंगे और साथ में श्रेयस अय्यर आएंगे। तो भाई मैं कहता हूँ एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिए, पहले ही एपिसोड में आ जाएंगे हमारे पास रणबीर कपूर, अगले में आमिर खान, और उसके बाद रोहित शर्मा वगैरह आ जाएंगे, श्रेयस अय्यर आ जाएंगे। तो भाई इससे बढ़िया और क्या गेस्ट हो सकता था? एक 800-900 करोड़ देने वाली फिल्म देने वाला बंदा, और आईपीएल के साथ में ये दो बंदे, और साथ में भाई हमारे पास आमिर खान, द ग्रेट, द लेजेंड, जिन्होंने दंगल जैसी मूवीज हमें दी हैं। तो भाई कहीं ना कहीं कपिल का ये मास्टर स्ट्रोक था, और देख कर मज़ा आ गया भाई, एकदम मुझे तो एकदम अंदर से फीलिंग आ रही है कि भाई बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। और सोने पे सुहागा हो जाए अगर डॉक्टर मशहूर गुलाटी के ही केस में उसको वापस लाया जाए, हो सकता है कपिल ये करेंगे, भाई करेंगे। और जो सेट है ना, सेट को देखकर इतना मज़ा आया ना यार, कि देखकर ऐसे गूज बम्स आ जाते हैं कि भाई बवाल चीज़ बना दी है, बवाल चीज़ बना दी है। भाई नेटफ्लिक्स इतने बड़े खर्चा करने वाली टीम जब देगा तो ये चीज़ तो अच्छी बनेगी, ये तो हो ही नहीं सकता कि अच्छी नहीं बनेगी। तो पहला ट्रेलर जो है वो रिलीज़ हो चुका है, अब ये 3-4 एपिसोड का इकट्ठा ही उन्होंने रिलीज़ कर दिया। अगर अभी आपने लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग यूट्यूब पर जाके देख सकते हैं, अगर किसी के पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन है तो उस पर जाके देखो, भाई बवाल किस्म का है, आपका दिन बन जाएगा। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आपका दिन बन जाएगा जब आप ये ट्रेलर देखेंगे, 2 मिनट से ज़्यादा का, और बंदा खो जाता है कि यार ये ख़त्म कैसे हो गया, ये तो थोड़ा और लंबा होना चाहिए था। तो बहुत मज़ा आया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। और कपिल शर्मा देखेंगे रेटिंग कितनी आती है इस शो की, मुझे तो लगता है भाई 100% आएगी, और आनी भी चाहिए कि इतने अच्छे टाइम पर आया जब हर जगह पर बोरियत छाई हुई है, तो मज़ा आने वाला है। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें,